मीरगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने कराया नव मतदाता सम्मेलन। क्षेत्रीय विधायक ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी योगेंद्र गुप्ता उर्फ मुन्ना बाबू को जिताने का युवाओं से किया आह्वान। मीरगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा रहे। ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण ने कहा कि मीरगंज का नवीन मतदाता अब धर्मवाद एवं जातिवाद के आधार पर मतदान नहीं करता है, केवल और केवल राष्ट्रवाद पर मतदान करके अपने पहले वोट की शक्ति का एहसास राष्ट्र विरोधियों को कराने का काम करेंगे। इस दौरान योगेंद्र गुप्ता उर्फ मुन्ना बाबू, धनेंद्र गुप्ता, मुकेश राजपूत, सोमपाल शर्मा, लव गुप्ता, तेजपाल फौजी, भगवान सिंह, शिवम शुक्ला, गीता गुप्ता, प्रिंसी चौहान, यशवंत चौधरी, रमेश कुर्मी, राजू भारती, विकास शर्मा सहित सैकड़ों युवा मतदाता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका साथ जरूरी है और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो उसमें कभी होश ना हो, क्योंकि आपका एक वोट आपका देश के निर्माण में बहुत ही अहम है, बहुत देश का निर्माण करेगा। तो इसलिए होश के साथ वोट करें और मुझे समर्थन दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबसे चार नगर पंचायतें हैं मीरगंज विधानसभा में, आज की कंडीशन में हम चारों जीत रहे हैं। मीरगंज में जैसा आपको विदित है, यहाँ से हमारे सम्मानित पूर्व चेयरमैन श्री मुन्ना बाबू गुप्ता जी हमारे प्रत्याशी हैं और भारी मतों से यहाँ से हम विजयी हो रहे हैं। शाही से हमारे वीरपाल मौर्या जी प्रत्याशी हैं और वो भी निश्चित तौर पर इस बार पहली बार इतिहास बनेगा कि शाही की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसी प्रकार शीशगढ़ में भी पहली बार इतिहास बनेगा कि शीशगढ़ में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रूबी परवीन हमारी प्रत्याशी हैं, वो इस बार पहली बार वहाँ चुनाव जीत के आएंगे। फतेहगंज पश्चिमी में पिछली बार भी हमारे सम्मानित चेयरमैन श्री किरणपाल मौर्या जी पार्टी से सम्मानित चेयरमैन थे और इस समय श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी हमारी प्रत्याशी हैं। फतेहगंज में हम दोबारा पुनः रिपीट कर रहे हैं और पुनः फिर हम फतेहगंज भी जीतेंगे। इस बार हम चार की चारों नगर पंचायतें हमारी मीरगंज की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इतना ही नहीं, हम इस समय मेयर के भी हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री उमेश गौतम जी, हम पुनः दोबारा से श्री उमेश गौतम जी भी हमारे की सीट से जीत रहे हैं, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, सीबीगंज हमारा मंडल है और सीबीगंज मंडल से सबसे ज़्यादा मतों से श्री उमेश गौतम जी हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में वहाँ से जीत हासिल करेंगे। विधायक जी, जैसे देखा गया है शीशगढ़ में आपने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है, बीजेपी को क्या मुस्लिम वोट वहाँ पे शीशगढ़ में पड़ रहा है क्या? निश्चित तौर पर इस बार भी मिल रहा है और पिछली बार भी मैंने वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाए थे, क्योंकि वहाँ 80% पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की है, हमने वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और इस बार निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अभी जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है उनके देवर श्री मतीन जी अभी पिछली बार भी चेयरमैन थे, अब मतीन जी की भाभी श्री वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं, श्रीमती रूही परवीन जी, वो भी इस बार
चुनाव जीत रही हैं, पहली बार हम शीशगढ़ सीट जीत रहे हैं। सर ये जानना चाहेंगे, फतेहगंज पश्चिमी में कुछ गुटबाजी की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर क्या स्थिति है फतेहगंज पश्चिमी? ऐसा है, जो हमारा कोई भी कार्यकर्ता है अगर चुनाव लड़ जाता है, नहीं मानता है, तो शुरू में गुटबाजी रहती है, दिखती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो सब खत्म हो जाती है। इस समय हमारी प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और निश्चित तौर पर हमारी प्रत्याशी वहाँ पर जो है वो जीत रही है। तो मान के चले चारों नगर पंचायत बीजेपी जीत, हम चारों इस बार जीत रहे हैं। कितने बड़े मार्जिन से? अब ये तो